हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फलूदा की रेसिपी। इसको आप समर के अंदर अपने बच्चों के लिए बना सकते हो। जैसे कि अभी गर्मियों के दिन हैं, समर चल रहा है, तो ये चीज़ आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब आपकी गेस्ट आते हैं उस टाइम पे भी आप ये बना सकते हो। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए सेवैयाँ। सेवैयाँ को मैंने ऑलरेडी कुक्ड कर दिया था, उस टाइम पे मैंने वीडियो शूट नहीं की। तो उसके अंदर मैंने डाले हैं थोड़े नट्स। सबसे पहले आपने मिल्क लेना है, उसके अंदर सेवैयाँ डालनी है और बॉयल करनी है। तो अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं, आपको देखने से पता चल रहा होगा। अभी मैं इसको निकालूंगी एक जार के अंदर। तो इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे रखूँगी। रूम टेम्परेचर के रखने के बाद में मैं इसको फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि जो एकदम से ठंडी हो जाए। तो ये ठंडी होने के बाद मैंने लिए थे सेब्ज़ा सीड्स। तो सीड्स को ऑलरेडी मैंने पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ था। तो सब्ज़ा सीड्स लेने के बाद में मैं इनको थोड़ा मिक्स कर दूँगी इसके अंदर। ये ऑप्शनल है, आप सेवैयाँ के अंदर नहीं ऐड करना चाह रहे तो ना करें। तो अभी मैंने इसको फ्रीज़र के अंदर रख दिया। तो ये फ्रेंड्स, एक साइड पे मैंने आइसक्रीम का एक बॉक्स ले लिया, और ये मैंने टूटी फ्रूटी ली, चॉप किए हुए मैंने नट्स लिए, और ये मैंने सेवैयाँ ली थी वाइट कलर की। इनको मैंने दूध के अंदर जा कोई कलर नहीं दिया। ये आइसक्रीम थी जो कलरफुल सभी फ्लेवर की है। अभी मैंने ले लिए ग्लासेस। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने डालना है रोज़ सिरप। रोज़ सिरप डालने के बाद में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सीड्स। सीड्स ऐड करने के बाद मैं सेवैयाँ ऐड करूँगी, जो मैंने, अगर आप इसको कलर देना चाह रहे हैं तो कलर भी दे सकते हैं सेवैयाँ को, बट मैंने वाइट कलर की ही रखी है। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम। आप जो भी आप पसंद करते हो आइसक्रीम, वो इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये आप ट्राई कर सकते हो। और अभी मैंने दोबारा से इसके अंदर ऐड किया है रोज़ सिरप। तो अभी जो मैंने चॉप्ड किए हुए नट्स थे वो ऐड किए हैं। अब मैंने ऐड किया है सब्ज़ा सीड्स। तो ये मैंने ऐड किया है अपना, जो मैंने फ्रीज़र के अंदर रखा था। तो ये पूरा ठंडा हो चुका है, जो फिर सेवैयाँ थी मैंने कुक्ड करके रखी थी। तो उनको थोड़ा रूम टेम्परेचर के बाद में मैंने इसको रख दिया था रेफ्रिजरेटर में, पूरा चिल्ड हो गया। तो अभी मैंने दोबारा से इसके ऊपर डाली है टूटी फ्रूटी। तो अभी मैं इसके अंदर वनीला आइसक्रीम डाली है। तो फ्रेंड्स, आपको जो आइसक्रीम या जो फ्लेवर पसंद है वो आप इसके अंदर वो वाला ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सेवैयाँ। आप इसमें कलरफुल सेवैयाँ भी डाल सकते हो, कलर डाल सकते हो सेवैयाँ के अंदर, जैसे जब मैंने बनाई। तो अभी मैंने इसके अंदर डाली है टूटी फ्रूटी और चॉप्ड किए हुए नट्स। तो ये फ्रेंड्स, अभी मेरा फलूदा बन के रेडी हो गया। आप भी जब आपके गेस्ट आएँ तो, या फिर बच्चों के लिए घर पर बना सकते हो। मैंने इसको फाइनल लुक दी है, हाफ स्ट्रॉबेरी कट करके ऊपर इसके ऊपर रख दिया। आप चाहो तो इसके अंदर सिरप वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ये मेरा फलूदा बन के रेडी हो गया, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि कभी भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। और फ्रेंड, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।